छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ केंद्रीय कार्यकारिणी और क्षेत्रीय इकाई दुर्ग भिलाई की बैठक भिलाई के एक निजी होटल में संपन्न हुई। मौका था चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी एवं नव निर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करने का। बीते दिनों छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के क्षेत्रीय इकाई दुर्ग भिलाई का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें लगभग पुरानी कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से उनके कार्यों के आधार पर दोबारा चुन लिया गया। इसमें प्रथम बार भिलाई को एक नए रीजन का दर्जा मिला है और कई ऐसे पावर स्टेशन हैं जहां से पहली बार सदस्यगण निर्वाचित होकर आए हैं। इन सभी से मुलाकात करने के उद्देश्य से और संघ के कार्य करने की रीति नीति से अवगत कराने इस बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात बैठक में सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य सदस्यों का फूल मालाओं से बारी बारी स्वागत सम्मान किया गया। नवनिर्वाचित भिलाई रीजन के अध्यक्ष ने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता ग्राहकों को खुश करना है, क्योंकि ग्राहक हमारे भगवान है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ निजी कंपनियों द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका पुरजोर विरोध भी संघ करेगा। वहीं संघ के नवनिर्वाचित महासचिव मनोज वर्मा ने भी संघ की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए संघ में शामिल सभी सदस्यगण एवं कार्यकारिणी सदस्यों के हित में विशेष रणनीति बनाकर कार्य करने की बातें कही हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ है, वो सभी क्षेत्र में जाकर क्षेत्रीय कमेटी का गठन करती है। तो इस बार अभी हमारे विजन है, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राजेश पांडे साहब ने अभियंताओं की लंबी मांग को पूरा करते हुए इस बार उन्होंने भिलाई को भी एक सेपरेट रीजन घोषित किए हैं। तो आज अभी यहाँ पर दूर और भिलाई दोनों रीजन का क्षेत्रीय टीम का गठन हुआ है और साथ ही साथ हमारे जो पूरी सीसी में है उसकी सीसी का केंद्रीय कार्यकारिणी का आज यहाँ पर मीटिंग हुआ है, जिसमें हम लोग पूरे अभियंताओं की मांग को और जो विशेषकर हमारे नए प्लांट खोलने का और उस प्लांट के लिए मांग को कंप्लीट रूप से शासन के सभी विधायकों के सहित मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग ने संकल्प लिया है, उसमें हमारे पूरे अभियंता साथ। खेड़ा मारा की कोई बात आ रही थी कि वहां पे 8% ही सिर्फ मिल रहा है, उससे उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अभी मीटिंग के दौरान वहाँ से खेड़ा मारा का नव चयनित मतलब अध्यक्ष जो है पीसी पाटिल साहब ने ये बात अध्यक्ष महोदय के सामने और हमारे सीएम के सामने निवेदन किए हैं कि वहाँ पे जो हाउस रेंट है एचआरए वो ग्रामीण क्षेत्र के मिलता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले सभी सिटी से लगे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस स्टेशन जो खेदमारा हमारा 400 सर्विस स्टेशन है, बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट सरकार में हमारे कार्य कर्मचारी कार्य करते हैं, हमारे अधिकारी काम करते हैं, उनके एचआरए कम मिलता है, उसको हम मैनेजमेंट तक पहुँचाकर उसको सिटी का एचआर दिलाने का मांग हुआ है, उसको हमारे अध्यक्ष ने आश्वासन दिए, हम सब मिलकर उसको कराएंगे। हम लोग आज इस अभियंता संघ के बैठक में फैसला लिए हैं कि उपभोक्ता हमारे भगवान हैं और उपभोक्ता को कैसे सेटिस्फाई, उपभोक्ता की संतुष्टि कैसे हम लोग करें, और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ता को सेटिस्फेक्शन और कम लागत में सतत बिजली प्रदान करना उपभोक्ता को, ये हमारा मूल मतलब, इसमें हम लोग कार्य करेंगे। एक नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार केंद्र सरकार ला रही है, उसका हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का क्या है उस बिल में ऐसा कि विरोध करना पड़ रहा है? उस बिल में ये है कि बहुत सारी प्राइवेट पार्टियां आएगी और कंज्यूमर को बिजली सप्लाई करेगी। इससे क्या नुकसान हो सकता है उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं को नुकसान ये हो सकता है कि अभी बिजली के दर बढ़ जाएंगे, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, उसमें मतलब विभिन्न प्रकार के टैक्स भी जुड़ेंगे। टैक्स नहीं जुड़ेंगे, जब प्राइवेट पार्टी आएगी तो अभी तो आप सीधा ही रहो देखिए जियो का जियो ने आया शुरू में फ्री में दिया और अभी आप हाल देख रहे हैं जियो महंगी है। तो जब भी प्राइवेट पार्टियां जो जरूरी चीज़ें हैं उसमें आएंगी तो रेट बढ़ेंगे बिजली के। अधिवक्ता संघ के जो सदस्यगण हैं, पूरी कार्यकारिणी है जी, इनके स्तर को और उत्तरोत्तर उठाने के लिए किस तरह से प्रयास? हम हर वार हर मंथली मीटिंग हम रीजन में जाके करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ के नए कार्यकारिणी द्वारा कुछ और अहम फैसलों के साथ प्रतिमाह बैठक लेकर एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्याएं बताने और सुनने पर भी सहमति बनी। यकीनन जिस तरह से संघ की पुरानी कार्यकारिणी ने अपना कार्यकाल बेहतरीन तरीके से पूरा किया, उसी प्रकार इस बार के कार्यकाल में भी उपभोक्ताओं के लिए समर्पित होकर एवं संघ के सभी सदस्यों के लिए अच्छे कार्य करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।